वेलकम बैक टू द माइंड वेल्स। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर व्हाट आर द बेस्ट कोचिंग ऑप्शन फॉर अस इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएमयू सीईटी 2023 एग्जामिनेशन। आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम होने वाला है 10th of June को, तो लगभग आपके पास में 40-45 days बचे हैं। और सर हम अभी क्या ऐसा करें, हम ऐसे कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले से ही बोल रखा है कि दिस एग्जाम डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कोचिंग, और मैं उसको प्रूफ करके आपको बताता हूँ आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया था, तो उसमें बता रहा था सर मैंने 1 lakh rupees पे किए है फॉर द ऑफलाइन कोचिंग फॉर आईएमयू सीईटी 2023 एग्जामिनेशन। फिर इट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ योर मनी, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा ईजी है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है नहीं। आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं है, तो इसके लिए मैं सेपरेट एक बना दूंगा कॉन्टेंट आपके लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको ये बोल सकता हूँ नेगेटिव मार्किंग आईएमयू सीईटी 2023 में फॉर यूजी बैचेस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, बीएससी नॉटिकल साइंस एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग उनके लिए है जो पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए नेगेटिव मार्किंग है। तो अपना दिमाग ज्यादा वेस्ट मत करो कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितनी है। फॉर यूजी कोर्सेज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कोचिंग की। बहुत सारे लोग 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, कोई 1-1 lakh rupees खर्च कर रहा है फॉर आईएमयू सीईटी कोचिंग। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं आपको सिर्फ आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स जो है वो अगर आप पढ़ लोगे और अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। यू कैन बी इन द टॉप 50 ऑल्सो, बट वो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तब। बट आप अगर नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू भी आ रहे हो 11th और 12th की, आपने नॉर्मल भी अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है, नॉर्मल आपको इंटरनेट पे आप नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस भी आप अगर देख रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड बेसिक वाला, जनरल एप्टीट्यूड बेसिक वाली इंग्लिश भी अगर आपको पता है, तो आसानी से आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे आप देखना आई सेक्शन में मैंने एक पूरा कॉन्टेंट डाल दिया, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर आईएमयू सीईटी। अब बात करते हैं कोचिंग आपको करनी चाहिए या फिर कोचिंग नहीं करनी चाहिए। मैं तो आपको स्ट्रांगली मना बोलूंगा आपको किसी भी कंडीशन में कोचिंग नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर मनी। आपको सिर्फ मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, आपको कोई भी एक गाइडेंस बुक फॉलो करनी, चाहे वो ऑनलाइन लेके आओ चाहे आप ऑफलाइन लाओ, ताकि आपको पता चल सके कि आईएमयू सीईटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड वंस यू नो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू जस्ट सॉल्व अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपको कहीं पर जाने का कोई काम नहीं। आप चाहे तो हमारी इस ईबुक को भी खरीद सकते हैं, जो कि फिलहाल अभी मार्केट में सबसे बेस्ट ईबुक है, जिसमें 500 क्वेश्चंस है प्लस आईएमयू सीईटी का ऑफिशियल सैंपल पेपर। तो ये तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप अगर खरीदना चाहो। लेकिन आप अगर ये भी नहीं खरीदना चाहो तो भी आप ऑनलाइन कोई एक बुक खरीद सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन अपने मार्केट में जाके एक गाइडेंस बुक लेकर आओ। एक गाइडेंस बुक इज मोर देन इनफ, उससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड वंस यू नो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स और फ्रॉम द इंटरनेट। सो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, प्लीज अपने पैसे वेस्ट मत करो। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का फोन आया, मैंने आपको बताया उसने 1 lakh rupees दिए सिर्फ कोचिंग के लिए, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माइंड वेल्स। टाटा बाय बाय।